हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका दूसरा लेक्चर है। यह है BSc पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। जैसा कि विद्यार्थियों, हमारे पिछले व्याख्यान में हमने पूरक फलन के ऊपर चर्चा करी थी विस्तृत। पूरक फलन कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा जाता है जो अचर गुणांक वाले होते हैं। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल को विशिष्ट समाकल कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप की हो, FdyQx, जहाँ QX ≠ 0, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है या विशिष्ट समाकलन है वो बराबर में 1/(FD) FD लिख दीजिए और मल्टीप्लाई QX कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा विशिष्ट समाकल होगा। जैसा कि नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, D³y/dx³ - y = cos hyperbolic x। D³y/dx³ को आप D³y लिख सकते हो कैपिटल में, -y = cos hyperbolic x। y कॉमन ले लीजिए, D³-1y = cos hyperbolic x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप ऊपर फॉर्मूला देख लीजिए, FY के पास में जो FD है वो 1/(1) लिखना है, तो ये आ जाएगा 1/D³-1 और cos hyperbolic x। इसको अपने को सॉल्व कर लेना है और वो आंसर आ जाएगा। अब अपन केस फर्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। केस फर्स्ट में आप देखिए, 1/FD, अब जो QX है, अगर वो e^(ax) हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखो PI लिखना है, D की जगह आपको क्या पुट कर देना है, A पुट कर देना है। X के पास में जो A है, ध्यान से देखिए, उसको D की जगह रख देना है। तो देखो, पहला केस जो बनेगा वो बनेगा 1/FA e^(ax). कंडीशन ये है, FA ≠ 0 होना चाहिए। दूसरी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 0 हो जाए, यानी देखो इधर ये ध्यान दीजिए, 1/D-a^(e^ax), तो हमने आपको बता रखा है D की जगह A रख दीजिए, तो यहाँ a - a 0 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, n ध्यान देना है, n और इस फॉर्मूले में रख देना है, तो x^(n)/(n) e^(ax). ये कब पॉसिबल है, जब कब लगाना है फॉर्मूला, जब FA = 0। ये अपने जो केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, 1/FD e^(ax), मतलब कि QX की जगह e^(ax) हो तो आपको D की जगह A रख देना है, जब FA ≠ 0, और जब 0 हो जाए तो आपको पावर कैलकुलेट कर लेनी है, और वो पावर कैलकुलेट करके x^(n)/(e^ax) रख देना है। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जहाँ पर कई बार हमारे पास में ये नोट देखो नीचे दे रखा है, cos hyperbolic x, इसको आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, e^(x + e^-x)/2। सेकंड देखिए, sin hyperbolic x = e^(x - e^-x)/2। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, वो एग्जांपल आप ध्यान दीजिए। जैसा कि पहला एग्जांपल है, सॉल्व d² - d² + 6d + 9y = 2e - 3x। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देखिए, एक्जुलरी इक्वेशन को हिंदी में सहायक समीकरण कहते हैं, तो d की जगह आपको m रख देना होता है, तो m² + 6m + 9 = 0, ये सहायक समीकरण है। अब ये आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि यह m + 3 का होल स्क्वायर है, तो m बराबर आ गया -3 - 3। तो CF आपको पता है, जब दो रूट समान हो और वास्तविक हो तो आप c1 + c2x e^(-3x), ये -3 यहाँ लगा देते हैं। CF हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसके ऊपर हमारा 35 नंबर का व्याख्यान आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब पर्टिकुलर इंटीगल PI देखिए, PI = 1/FD, FD यहाँ d² + 6d + 9 है, मल्टीप्लाई 2e^(-3x) है, तो d स्क्वायर
ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर प्लस का 6d प्लस 9 को डी प्लस 3 का होली स्क्वायर लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस का 3x। तो इस तरीके से आप देखो, आप डी की जगह माइनस 3 पुट नहीं कर सकते, तो हमने ऊपर देखो राइट हैंड में आपको फॉर्मूला बता रखा है, 1/d माइनस ए की पावर एन, बॉक्स में देखिए ई की पावर एक्स, जब आप ए रखने पे वो शून्य बन रहा है, तो आप एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स एन कैलकुलेट। तो यहाँ देखो डी की जगह, अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, डी की जगह माइनस 3 आप नहीं रख सकते, तो आप पावर देख लीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ एन के मान 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 ई की पावर माइनस का 3x, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 3x। तो ये अपने पास में, अब आपको पता है वाई जो हमारा हल है, हमारा जो हल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ आप देख लीजिए, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस का 3x है, और प्लस पी आई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 3x है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy बाई डी एक्स प्लस का 2y बराबर ई की पावर एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर वाई माइनस का 3dy और प्लस का 2y बराबर ई की पावर एक्स, वाई कॉमन ले लीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। सहायक समीकरण आपको पता है, डी की जगह एम रख देते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है m बराबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप सी एफ देखिए, सी वन ई की पावर 1 इंटू एक्स प्लस सी टू ई की पावर 2 इंटू एक्स, यह आ गया सी एफ। आपको सी एफ लिखना आना चाहिए, सी एफ लिखने के लिए आप पूर्व का व्याख्यान देख सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको बता रखा है, 1 के अपॉन में जो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 लिखिए और e की पावर x लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। अब डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 है, इसके फैक्टर आपको पता है d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 होता है, और e की पावर x। अब आप ऊपर बॉक्स में देखिए, वो फॉर्मूला हमने रिवाइज करवा रखा है, 1/fd e की पावर x, जब d की जगह ये रखना है, जब f ए नॉट इक्वल टू 0 और 0 हो जाए, वहाँ पावर देख लीजिए x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर ax करना है। तो अब देखिए, आप d की जगह आप 1 रख दीजिए, देखो 1 आप d माइनस 2 की जगह तो रख सकते हो, d माइनस 2 वाले में तो d में 1 रख सकते हो, तो वो तो रख दो, और d माइनस 1 में d की जगह 1 नहीं लिख सकते, तो उसको आप एक बार रोक लीजिए। तो अब आप उसमें ये देखिए, इससे d माइनस 1 की पावर, d की जगह 1 नहीं रख सकते, तो ये पावर इसकी 1 है, तो x की पावर है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर x। तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 से एक माइनस जनरेट हो गया, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा पी आई है वो माइनस एक्स ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास में जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आ जाएगा हमारे पास में वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आप लिख लीजिए और पी आई इनको जोड़ दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। अगेन थर्ड नंबर प्रॉब्लम देख लीजिए, सॉल्व डी प्लस 2 डी माइनस 1 का क्यूब वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। सबसे पहले एक सहायक समीकरण, सहायक समीकरण में आपको डी एम की डी की जगह एम रखना है, तो एम प्लस 2 और एम माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 0, तो एम बराबर माइनस 2 आ जाएगा और 1, 1, 1 आ जाएगा। तो सी एफ आप लिख लीजिए, सी वन ई की पावर माइनस 2x प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स, ये कर लीजिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, सी एफ के लिए हमारा पूर्व का व्याख्यान आप देख सकते हैं। तो अब हमारे को जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1 अपॉन जो डी प्लस 2 डी माइनस 1 का होल क्यूब ई की पावर एक्स लिखना है। तो अब देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको ऊपर राइट हैंड में हमने बता रखा है फॉर्मूला, 1/fd ई की पावर एक्स, तो डी की जगह ए रख देना है जब एफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप देखो ए क्या है, यहाँ ये ए है 1, तो 1 देखो d माइनस 1 में तो d 1 रख नहीं सकते d की जगह, और d प्लस 2 में रख सकते हो, तो वहाँ तो रख दो आप। तो ये देखो d प्लस 2 में आपने क्या किया, 1 रखा, तो 1 प्लस 2 आ गया। फिर जहाँ नहीं रख सकते वो देखिए, d माइनस 1 का होल क्यूब, इसमें a की जगह 1 नहीं रख सकते, तो पावर देख लो 3 है, तो x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e की पावर x, ये टोटल कैलकुलेट होकर 1/18 x क्यूब आ गया।
तो y इज इक्वल टू आप सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप चौथा एग्जांपल देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप क्लियर कट कर सकते हैं। देखो d, आप चौथा एग्जांपल देख सकते हैं, d प्लस वन का d क्यूब प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वन का होल क्यूब। तो सहायक समीकरण एम क्यूब प्लस वन आ गया, आपको पता है d की जगह m रख दीजिए। तो ये अब देखिए, हमने ऊपर राइट बॉक्स ऊपर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बता रखा है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एम प्लस वन को जब शून्य करोगे तो एम बराबर माइनस वन आ जाएगा, और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा एक बटा दो प्लस माइनस रूट तीन बटा दो आयोटा। अब देखो एम के मान आ गए हमारे पास में, कुल मिला के एम इज इक्वल टू माइनस वन और एक बटा दो प्लस माइनस रूट में तीन बटा दो आयोटा। तो जो सी एफ है वो आ जाएगा सी वन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन के लिए, और आपको पता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए आप सी एफ लिख दीजिए। तो ये आपका सी एफ आ गया। सी एफ के लिए आपको पूर्व का व्याख्यान समझना होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप देखिए वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन, और ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये देखिए तो ई की पावर एक्स प्लस वन का होल क्यूब खोल लिया, खोलने के बाद में वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन को सभी जगह भेज दिया। तो डी की जगह देखो वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन ई की पावर तीन एक्स है, तो डी की जगह तीन रख सकते हैं, तो सत्ताईस प्लस एक आ गया। तीन ई की पावर टू एक्स है, तो डी की जगह दो रख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पास में दो है, तो डी की जगह अपने को दो रखना पड़ेगा, आठ प्लस एक आ गया। तो इस तरीके से तीन ई की पावर एक्स में एक्स के पास में वन है, तो डी की जगह वन रखना है। फिर लास्ट में वन था, तो वन को आप ई की पावर जीरो एक्स लिख सकते हो, तो एक्स डी की जगह जीरो पुट कर दीजिए। ये ध्यान दो, लास्ट वाली टर्म इम्पोर्टेंट है, वन को आप ई की पावर जीरो एक्स लिखेंगे, फिर एक्स के पास में जीरो है तो डी की जगह जीरो लिख दीजिए। बस इतना सही कार्य है, फिर ई की पावर जीरो एक्स को वन लिख दीजिए। ये कैलकुलेट होकर आपके पास में पी आई आ जाएगा दो नंबर। तो y इज इक्वल टू आप सी एफ प्लस पी आई कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप पांचवी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। पांचवी प्रॉब्लम में साइन हाइपरबोलिक x है। अब फर्स्ट दिमाग में ये आता है कि e की पावर x तो है ही नहीं, तो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की पावर साइन हाइपरबोलिक 2x है। सॉरी, ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है वो साइन हाइपरबोलिक डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स है। साइन हाइपरबोलिक टू एक्स है, ये पक्का करो। ये इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या गलती से लिख दिया है, टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू। तो एक्स के पास में यहाँ दो है, ये पक्का कर लो, साइन हाइपरबोलिक टू एक्स है, पक्का कर लो ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।